भागलपुर के बरारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के आवासीय परिसर में गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर आयकर विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। छापेमारी के दौरान टैक्स विभाग की टीम ने शंकर यादव के आवासीय परिसर में महंगी एवं लग्जरी कारों और घर से अधिक मात्रा में नगद राशि को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वहीं अचानक हुई इस तरह की कार्रवाई से बरारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हड़कंप मच गया और यह जानकारी पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बता दें कि इस छापेमारी में जमीन कारोबारी शंकर यादव के घर से काफी मात्रा में कैश मिलने के कारण आयकर विभाग की टीम को नोट गिनने के लिए कई मशीनों की मदद लेनी पड़ी। तीन अलग अलग वाहनों में पहुंची इनकम टैक्स विभाग की टीम जब शंकर यादव के घर के मुख्य द्वार पर पहुंची तो घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्यों ने मुख्य द्वार को अंदर से लॉक कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों के कहने पर कई पुलिस के जवान एक पेड़ के सहारे घर की चारदीवारी के अंदर दाखिल हुए और मुख्य द्वार का लॉक अंदर से खुलवाकर टीम किले नुमा घर के कमरे में पहुंची। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने घर वालों को जांच में कॉपरेट करने को कहा। साथ ही इस दौरान घर की एक महिला आयकर टीम को मकान के पिछले हिस्से में निर्माणाधीन लिफ्ट वाली जगह पर बैग फेंकते हुए मिल गई, जिसके बाद पुलिस के जवानों की मदद से बैग को टीम के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि आईटी की छापेमारी में टीम को घर से लाखों रुपए कैश के अलावा जेवरात, बेशकीमती भूखंडों के दस्तावेज, एग्रीमेंट पेपर और बॉन्ड भी बरामद हुआ है, जिसके बाद टीम के अधिकारियों ने रुपए गिनती करने के लिए घर के अंदर मशीन और खाली बक्सा भी मंगवाया। बता दें कि मूल रूप से मधेपुरा जिले के रहने वाले शंकर यादव की एक ट्रैक्टर की एजेंसी भी है, जबकि इसके अलावा वो जमीन खरीद बिक्री, छर्री, बालू और सीमेंट का कारोबार भी करते हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीन से जुड़े दस्तावेज और एग्रीमेंट पेपर के अलावा आयकर की टीम को शंकर यादव के घर से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें मिली कई अहम जानकारियों की जांच आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। भागलपुर के एसएसपी कार्यालय से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित शिव पार्वती मंदिर से दान पेटी की चोरी हो गई। हालांकि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी से दान पेटी को बरामद कर लिया। बता दें कि चोरों ने मंदिर के दरवाजे को तोड़कर दान पेटी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी जानकारी मंदिर के पुजारी ने पुलिस को दी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 1000 रुपए चंदा दान पेटी में रखा गया था। चोरों ने पैसे निकालकर दान पेटी को मंदिर से कुछ दूर पर फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। इधर मामले को लेकर सीटीएसपी राज ने बताया कि पुलिस ऑफिस के पास स्थित मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जोक्सर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन के क्रम में ICCC बिल्डिंग के पास से टूटा हुआ दान पेटी बरामद किया। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सभी CCTV कैमरों को खंगाल रही है। वहीं विधि व्यवस्था दृष्टिकोण से अतिरिक्त बल की तैनाती कर अपराधियों की पहचान की जा रही है। जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर से ताला तोड़कर दान पेटी चोरी करने का एक मामला प्रतिवेदित हुआ है। इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। दान पेटी को बरामद कर लिया गया है और इसमें से जो प्रथम दृष्टया यह निकल के आया है कि 500 से 1000 रुपये का इसमें कुछ चंदा था, जिसको जो है चोरी किया गया है। हम लोगों ने 3-4 टीम बनाए हैं और जिसके भी रूट हैं इसमें हम लोग CCTV खंगाल रहे हैं और इसमें जो है चोरी की जो है अपराधियों की पहचान की जा रही है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर मिथिलांचल के कांवरियों का जन सैलाब पहुंचने लगा है। बता दें कि मिथिलांचल के कांवरिया बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव करने के लिए सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने पैदल यात्रा कर देवघर बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए तिलकोत्सव मनाकर 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन धूमधाम से बाबा भोलेनाथ व माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाते हैं। इस दौरान अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौनी अमावस्या को लाखों शिव भक्त अजगैवीनाथ धाम पहुंचे। लगभग 60,000 शिव भक्तों ने अजगैवीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया। वहीं भक्तों की सुविधा के लिए नगर परिषद के द्वारा गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग एवं साफ सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही थानाध्यक्ष प्रिय रंजन के द्वारा गंगा घाट, अजगैवीनाथ धाम मंदिर एवं कच्ची कांवरिया पथ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। विशेषता आते हैं, बाबा का जल लेके जाते हैं और बाबा देवघर में बसंत पंचमी का बाबा का तिलक उत्सव जो होता है तो उसको लेकर उससे 4-5 दिन पहले जो है ये लेकर के जाते हैं यहाँ से अमावस्या को और बसंत पंचमी का दिन बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। इसलिए 14 और अमावस्या 2 दिन यहाँ भीड़ रहता है। नहा धो करके जल लेकर के जाते हैं
और बाबा को निमंत्रण देते हैं शिवरात्रि का, संत पंचमी को निमंत्रण देते हुए फिर ये लोग जाते हैं, फिर शिवरात्रि मनाई जाती है। 8 मार्च को शिवरात्रि है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने के बाद से बिहार की सियासत में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पूर्व जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की तारीफ करते नहीं थकते थे, वहीं अब गठबंधन से अलग होने और कुर्सी जाने के बाद राजद नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार की वर्तमान सरकार को जमकर कोसा जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल की तुलना तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल से करते हुए राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को राज्य के विकास का श्रेय दिया। इसको लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की ओर से तेजस्वी यादव को धन्यवाद देने के लिए यात्रा निकाली गई, जिसमें खाने पीने के पैकेट को लेकर कचहरी चौक पर महिलाएं आपस में ही भिड़ गई और पार्टी के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान महिलाएं नाश्ते पर टूट पड़ी और पैकेट नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए आपस में ही भिड़ गई। महिलाओं ने बताया कि वो काफी दूर से आई हैं और इतना वक्त यहाँ रहने के बावजूद उन्हें कार्यकर्ताओं के द्वारा ना तो नाश्ता और ना ही पानी के लिए पूछा गया। हालांकि इसके बाद पार्टी के नेताओं के द्वारा समझा बुझा कर कई महिलाओं को नाश्ते का पैकेट दिया गया। वहीं इस नज़ारे को जिसने भी देखा वो देखता रह गया, मानो नाश्ते के पैकेट की लूट में जिसके हाथ पैकेट लग गया वो खुद को विजेता समझ रहा हो। जबकि पार्टी के द्वारा नाश्ते की बात कहकर लाने के बावजूद हुई अव्यवस्था से पार्टी और प्रबंधन की खूब खिल्लियां उड़ती दिखी। पूर्व में महिला प्रकोष्ठ की ओर से भागलपुर के जिला अध्यक्ष ये सीमा जायसवाल जी के द्वारा आज ये नेतृत्व किया गया है। पूरे बिहारी ने पूरे प्रदेश में पूरे देश दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तमाम बिहारवासी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिहार में नौकरी की बौछार कर दी गई है और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छी खासी नौकरियां दी है और आने वाले दिन में जो उनका ड्रीम है वो ड्रीम को जरूर पूरा करेंगे। और आप सभी मीडिया भाई युवा है, युवा जो ड्रीम देखते हैं उस ड्रीम को निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बुधवार को बांका के रजौन प्रखंड अंतर्गत दीप नारायण सिंह महाविद्यालय भुसिया के सामने से परीक्षा देने आई एक छात्रा के भाई से बाइक सवार झपट मार गिरोह के कुछ लोगों ने मोबाइल और 4000 रुपए नगद छीन कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बांका थाना क्षेत्र के अरैया गांव निवासी छोटू कुमार अपनी बहन को इंटरमीडिएट परीक्षा दिलाने के लिए दीप नारायण सिंह महाविद्यालय भुसिया आया था। द्वितीय पाली में छात्रा केंद्र के अंदर परीक्षा दे रही थी, इसी दौरान भाई परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक एक बाइक से दो लड़का मौके पर पहुंचा और हाथ से मोबाइल छीनकर तेज रफ्तार में फरार हो गया। छोटू ने बताया कि उसने अपने मोबाइल के बैक कवर में 4000 रुपए कैश भी रखा था, मोबाइल के साथ वो भी चला गया। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, आवेदन के अनुसार आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांका धोरैया थाना परिसर में गुरुवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता धोरैया BDO अमर कुमार मिश्रा
और थाना प्रभारी अशोक कुमार ने की। बैठक में आम लोगों से शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने, पूजा में डीजे नहीं बजाने, पूजा स्थल के आसपास हुड़दंगियों पर नजर रखने एवं इसकी सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। इस दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने विधि व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। मौके पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि आलोक तुषार, जीप सदस्य बलजीत सिंह, परवेज अख्तर, मुखिया दीनबंधु दीनानाथ समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे।